हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बेयरिंग वायलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट्स बेयरिंग व्हाइट फ्लावर्स। यानी एक मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में टॉल पी प्लांट्स जिनमें वायलेट फ्लावर्स हैं उनकी क्रॉसिंग हो रही है शॉर्ट पी प्लांट्स जिनमें व्हाइट फ्लावर्स हैं। द प्रोजनी ऑल वोर वायलेट फ्लावर्स, और सारी की सारी प्रोजनी में का जो फ्लावर कलर है वो है वायलेट। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, इनमें से आधों की हाइट शॉर्ट थी यानी छोटे थे। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी डिपिक्टेड एज, यानी इसके बेसिस पे जो उनके उनका टॉल पेरेंट है उसका जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है ये हमसे पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट ट्रेट फॉर हाइट यानी टॉलनेस, है ना, और स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव ट्रेट फॉर कैरेक्टर हाइट यानी शॉर्टनेस, और कैपिटल डब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है डोमिनेंट ट्रेट फॉर फ्लावर कलर यानी वायलेट कलर, और स्मॉल डब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है रिसेसिव ट्रेट फॉर फ्लावर कलर यानी व्हाइट। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब यदि हम देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सारे के सारे प्रोजनी का जो फ्लावर कलर है वो है वायलेट, यानी ऑल प्रोजनी कलर, सारे प्रोजनी का जो फ्लावर कलर है वो है क्या वायलेट। वायलेट मतलब वायलेट क्या है, वायलेट डोमिनेंट ट्रेट है, यानी क्योंकि सारे के सारे प्रोजनी में प्रोजनी के फ्लावर्स वायलेट कलर है, इसका मतलब उनका जो पेरेंट होगा वो पेरेंट में डोमिनेंट ट्रेट्स होंगे, कोई भी रिसेसिव ट्रेट नहीं होगा फ्लावर कलर का। यानी उनका पेरेंट का जो जीन पेयर होगा वो होगा कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू, क्योंकि सारे के सारे प्रोजनी उनके वायलेट फ्लावर्स यानी डोमिनेंट ट्रेट बेयरिंग फ्लावर्स हैं। ठीक है, सिमिलरली हम अगले केस की बात करते हैं। क्वेश्चन में ही दिया है कि बट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, यानी हाफ प्रोजनी शॉर्ट है और हाफ प्रोजनी लॉन्ग है, है ना। अब हाफ प्रोजनी शॉर्ट है और हाफ प्रोजनी टॉल है, तो इसका मतलब कि उनके पेरेंट में जो टॉल पेरेंट है ना, जो टॉल पेरेंट है उसकी बात की जा रही है, उसका जो टॉल पेरेंट है उसका जो पेयर होगा, क्योंकि उसमें ट्रेट्स होंगे वो टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों के ही होंगे, यानी वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा, यानी उसका जो जी पेयर होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी ओवरऑल टॉल पेरेंट का जो जेनेटिक मेकअप आएगा, ओवरऑल टॉल पेरेंट का जो जेनेटिक मेकअप मिलेगा हमें वो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्लू जेनेटिक मेकअप मिलेगा वो मिलेगा हमें कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू, ये मिलेगा हमें जेनेटिक मेकअप। अब हम क्रॉस करके ये कंफर्म कर लेते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है, तो हमने जो अपने एजम्पशन के थ्रू निकाला कि जो पेरेंट का जीनोटाइप आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू कैपिटल डू आएगा। ठीक है, टॉल पेरेंट का, तो टॉल पेरेंट का हम मान रहे हैं कि उसका है कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू। ठीक है, और साथ में क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका क्रॉस कराया जा रहा है शॉर्ट पी प्लांट्स विथ व्हाइट फ्लावर, है ना। अब शॉर्ट पी प्लांट्स होंगे, इसका मतलब शॉर्ट विथ व्हाइट, शॉर्ट प्लांट्स विथ व्हाइट फ्लावर, है ना, तो उनका जो जीनोटाइप होगा वो होगा स्मॉल टी स्मॉल डब्लू स्मॉल डब्लू। अब इनके गैमेट्स की बात करें तो इनके गैमेट्स होंगे इनके जो गैमेट्स होंगे वो होंगे हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल डब्लू स्मॉल टी कैपिटल डब्लू, और इनके जो गैमेट्स होंगे वो होंगे स्मॉल टी स्मॉल डब्लू। इनके बीच जब क्रॉस होगा तो जो प्रोजनीस
मिलेंगे, इस केस में मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इस केस में मिलेंगे स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यानी इस केस में देखें तो क्या होगा, इसमें हाइट के लिए डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, यानी हाइट तो इसकी टॉल होगी और फ्लावर कलर वायलेट होगा क्योंकि फ्लावर कलर के लिए भी डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट है, यानी वायलेट फ्लावर भी होंगे। लेकिन इस केस में हाइट के लिए कोई भी डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव ट्रेट यानी शॉर्टनेस का ट्रेट प्रेजेंट है, यानी इसकी हाइट तो शॉर्ट होगी। लेकिन फ्लावर कलर की बात की जाए तो डोमिनेंट ट्रेट फ्लावर कलर का प्रेजेंट है, यानी इनका जो फ्लावर होगा वो वायलेट होगा, है ना, वायलेट फ्लावर। यानी जो क्वेश्चन बोल रहा था कि सारे के सारे फ्लावर्स जो प्रोजेनी मिल रहे हैं वायलेट मिल रहे हैं, तो हमने क्रॉस के थ्रू देखा जी हाँ सारे के सारे फ्लावर्स वायलेट कलर के मिल रहे हैं, और क्वेश्चन ये भी बोला था कि हाफ ऑफ द प्रोजेनी वाज शॉर्ट, यानी आधे प्रोजेनी शॉर्ट थे और आधे प्रोजेनी लॉन्ग थे, ये भी कंफर्म हो रहा है। यानी हमने जो जेनेटिक मेकअप पेरेंट का निकाला था वो करेक्ट जेनेटिक मेकअप था। अब हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास जो जेनेटिक मेकअप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू दिया हुआ है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन ए गलत है, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू हमने निकाला जेनेटिक मेकअप टॉल पेरेंट का वो सही है, और कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ये भी रूल्ड आउट ऑप्शन है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।